मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अजगर का नाम तो आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, लेकिन अचानक अजगर अगर किसी को दिख जाए तो दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाता है। कल रात एक ऐसा ही अजगर दिखा, जिसे देखने के लिए इलाका तो इलाका, उस हाईवे पर चल रहे वाहन भी ठप हो गए और इलाके में लोगों में भगदड़ मच गई। पैर जमीन पर थम नहीं रहे थे। दरअसल मुंब्रा बाईपास सम्राट नगर हनुमान मंदिर के पास कल रात के समय करीब 12 बजे के आसपास एक अजगर बाईपास हाईवे पर दिखा, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक भी जाम रही। आपको बता दें कि अजगर किसी जीव को अपना निवाला बना चुका था, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। जो लोग इस अजगर को रोड पर देख रहे थे, उन लोगों ने ये जहमत नहीं की कि इसकी सूचना शासन प्रशासन को देने की। अगर शासन प्रशासन को इसकी सूचना देते तो अजगर को पकड़कर रिहायशी इलाकों से दूर छोड़ा जाता। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने लाठी और डंडों का सहारा लेकर उस अजगर को रोड के इस पार से उस पार झाड़ियों में छोड़ दिया। लेकिन वो अजगर से अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि रोड की दूसरी तरफ सम्राट नगर रिहायशी इलाका है। हालांकि इन इलाकों में सांप अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन अजगर पहली बार दिखा है, वो भी इतना बड़ा, देखने वालों के होश उड़ गए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लाठी डंडों की मदद से अजगर को इस पार से रोड के उस पार ले जाया जा रहा है। पास की झाड़ियों में अजगर को छोड़ भी दिया गया, जिसके बाद फिर दिखाई नहीं दिया। ए, आलो मत ना यार, तुम कोई नहीं मारू छु, पकड़ ले मुंडी, दबा दे अरे किसके भी कान में घुस जाएगा। लेकिन इस अजगर से सम्राट नगर का इलाका अभी भी दहशत में है। उन्हें ये लग रहा है कि अजगर फिर से वापस आ सकता है। शासन प्रशासन से उनकी मांग है कि अजगर को पकड़ा जाए और उसे रिहायशी इलाकों से कहीं दूर छोड़ा जाए। जिस वक्त ये अजगर दिखा था, उस वक्त किसी का होश ठिकाने नहीं था। जैसे ही अजगर झाड़ियों में चला गया, वैसे ही लोग तरह तरह के सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। वन विभाग को सूचना देना चाहिए था। बहरहाल प्रशासन इस अजगर को तलाश करे और वो कहीं दूर ले जाकर इस अजगर को छोड़े। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।